हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो अगर आप लोग फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके पास सब्जेक्ट होगा पॉलिटिकल थ्योरी, और ये सब्जेक्ट दो है, बीए प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों के पास होता है। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है जस्टिस, या फिर हम समझ सकते हैं जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, जॉन रॉल्स का कंसेप्ट क्या है जस्टिस का, और इसके अलावा वेल ऑफ इग्नोरेंस के कंसेप्ट के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले जानते हैं कि जस्टिस होता क्या है, जिसको हम हिंदी में न्याय बोलते हैं। जस्टिस जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से निकल के बना है, जिसको हम जंगर या फिर जस भी बोल सकते हैं। और इस लैटिन वर्ड का मतलब समझिए क्या होता है। इस लैटिन वर्ड का मतलब होता है एक टाई, एक बॉन्ड, मतलब एक रिलेशनशिप। किस तरीके का, आपको बताता हूँ। एक ऐसा बॉन्ड जो कि सिटीजन्स को उसके समाज से जोड़ता है, एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर जो सिटीजन्स हैं वो उनके जो भी कर्तव्य हैं, ड्यूटीज़ हैं समाज के प्रति, वो उनको फॉलो करेंगे, पूरा करेंगे, और उसके बदले में जो समाज है या स्टेट है वो क्या करेगा, जो भी वर्चुअस पीपल हैं उनको रिवॉर्ड्स देगा, और जो भी गलत काम करते हैं उनको पनिश करेगा, इविल्स को पनिश करेगा। तो ये एक बॉन्ड हो गया, एक रिलेशनशिप हो गया, इसी को हम जस्टिस बोलते हैं, टिपिकल जो थ्योरी है उसके हिसाब से। आगे हम बात करते हैं जस्टिस के, अलग अलग डेफिनेशंस हैं, अलग अलग फिलोसफर्स ने दे रखी है। जैसे एक बहुत महान दार्शनिक थे दुनिया के, प्लेटो का मैं कहना था कि समाज के अंदर जो भी लोग हैं, जिनको भी समाज के अंदर उनकी लाइफ से रिलेटेड ड्यूटीज़ को दिया गया है, सभी उन कर्तव्यों को, उन ड्यूटीज़ को फुलफिल करें ईमानदारी से, और कोई भी किसी के काम में इंटरफेरेंस ना करे, किसी की ड्यूटीज़ में इंटरफेरेंस ना करे, वही एक न्यायपूर्ण समाज है। बात करते हैं सोक्रेट्स के, सोक्रेट्स का कहना है, वो भी एक महान फिलोसफर हैं, दार्शनिक है, जिनकी थ्योरी है जस्टिस की। उनका मानना है कि जस्टिस का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा करोगे और अपने दुश्मन के साथ, अपने एनिमीज के साथ खराब करोगे। जस्टिस रिक्वायर्स द वेलबींग ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स। सिर्फ दोस्तों और दुश्मनों की बात नहीं, जस्टिस का मतलब समाज के सभी वर्गों के साथ बेहतर तरीके से न्याय होना चाहिए, उनका वेलबींग होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ जस्टिस। जस्टिस का जो कंसेप्ट है, न्याय की जो प्रक्रिया है, वो कई सदियों से इवॉल्व होती हुई आ रही है। एग्जाम्पल के तौर पर हम थोड़ी सी बात करते हैं, अगर हम एंशियंट सोसाइटी की बात करें तो जस्टिस इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ धर्म। जस्टिस का जो संबंध था, इसका जो मतलब था, वो धर्म से होता था। यहाँ पर धर्म का मतलब समझिए, धर्म से मतलब यहाँ पर रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब है द ड्यूटीज़, जिम्मेदारियाँ। मतलब हम, आपने सुना भी होगा एंशियंट सोसाइटी के अंदर बोला जाता था कि जो राजा है उसको अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए। इसका मतलब है कि राजा की जो असाइन ड्यूटीज़ हैं, जो उसको जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, जो कर्तव्य उसके हैं, सभी तरीके से उनको फॉलो करना चाहिए किसी भी रूलर को, इसको हम न्याय बोलते थे। तो समाज के अंदर क्या था, एंशियंट सोसाइटी के अंदर धर्म को हम लोग जस्टिस से रिलेट करते थे। अब बात करते हैं कि इन धर्म को, मतलब इन ड्यूटीज़ को बनाता कौन था, इसके सोर्सेज कौन थे। तो इसके जो सोर्सेज थे वो भी बहुत पुराने टाइम से जुड़े हुए थे, जैसे वेद थे, पुराण थे, स्मृतिज थी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मनुस्मृति थी। इसके अंदर सोशल कोड ऑफ कंडक्ट दे रखे थे, समाज को चलाने का व्यवहार दे रखे थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रखे थे, जिनको फॉलो करते थे सभी राजा महाराजा, या फिर हम बोल सकते हैं एंशियंट इंडिया के अंदर, एंशियंट समाज के अंदर इन्हीं सोर्सेज को ध्यान में रखते हुए न्याय को चलाया जाया करता था। और उसके अलावा भी समाज फिर आगे बढ़ता गया, और भी काफ़ी सारे रूलर्स आए, एग्जाम्पल के तौर पर मौर्यंस थे, गुप्तास थे, इनके टाइम पे भी प्रॉपरली क्या हुआ करता था, पूरी की पूरी काउंसिल्स बनाई जाती थी, पूरे के पूरे काउंसिल्स और ग्रुप्स बनाए जाते थे, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ इतना था कि जो नियम कानून दे रखे हैं, समाज के अंदर बनाए गए हैं, उनके हिसाब से लोगों के साथ न्याय करना। तो राजा जो था एंशियंट समाज के अंदर, वो अपनी आर्बिट्री, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट थे समाज के अंदर जिसको ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से न्याय को किया जाता था। ये तो बात हो गई एंशियंट समाज की। फिर धीरे धीरे और भी चीज़ें आगे बढ़ती गई। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर 1860 के अंदर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया था पहला भारत का, जिसने आईपीसी को बनाया था, इंडियन पिनल कोड को बनाया था, और इसके हिसाब से न्याय किया जाता था। और यही पिनल कोड जो था वो तय करता था समाज के अंदर कि कौन से कर्तव्य हैं, कौन से काम हैं वो पनिशेबल होंगे और कौन से काम रिवॉर्डेबल होंगे। तो सही क्या है, गलत क्या है, क्या क्राइम्स हैं, उन क्राइम्स की क्या सज़ा होने वाली है,
तो ये सभी आईपीसी बताता था और इस तरीके से समाज के अंदर आज के टाइम पे न्याय किया जाता है। तो मैंने आपको पूरा बताया कि एंशियंट टाइम से लेके आज के टाइम तक जो जस्टिस है उसका कंसेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ और किन सोर्सेज के हिसाब से न्याय को किया जाता है। अब आगे बात करते हैं जॉन रॉल्स थ्योरी की। उससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स और उनकी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में हैं या फिर जिस भी ग्रेजुएशन या सेमेस्टर में हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली लेक्चर्स मिल जाएंगे। और उसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड नोट्स या क्लासेस चाहते हैं तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जॉन रॉल्स की बात करते हैं तो जॉन रॉल्स एक महान फिलोसोफर थे, एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर थे। उन्होंने भी एक थ्योरी दे रखी है जस्टिस की। बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम लोग जॉन रॉल्स की थ्योरी को समझना चाहते हैं तो उनके दो बेसिक प्रिंसिपल्स, दो सिद्धांत के बारे में समझना ज़रूरी है। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो कहता है कि समाज के अंदर, मतलब जो सोसाइटी है उसके अंदर इंस्टीट्यूशन को ऐसे चलना चाहिए, ऐसे सेटअप करना चाहिए कि वो जो है जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है समाज के लोगों की, उसको पूरा किया जा सके और उसको सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास पहुँचाया जा सके, जैसे फूड्स हो गया, क्लॉथिंग्स हो गया, हेल्थ हो गया, इन चीज़ों को। और दूसरा उनका सिद्धांत इक्वालिटी पे आधारित है। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इक्वालिटी की, समानता की बात करता है, जो आपसे कहता है कि जो भी समाज के अंदर वेल्थ है उन सब का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, प्लस उसके साथ साथ समाज के जितने भी लोग हैं उन सब का इक्वल एक्सेस होना चाहिए, बराबर की पहुँच होनी चाहिए वेल्थ के ऊपर। तो ये दो उनके इम्पॉर्टेंट सिद्धांत हैं। तो जॉन रॉल्स एक ऐसा मॉरली एक्सेप्टेबल समाज बनाना चाहते थे जो कि न्यायपूर्ण हो, जिसके अंदर लोगों को पूरी गारंटी उनके अधिकारों की और समानता की दी जाए। और उनका मानना था कि भाई जो जस्टिस है, जो न्याय है, या फिर हम बोल सकते हैं जो फ्रीडम लिबर्टीज़ एक इंसान को मिल रखी हैं, सेम फ्रीडम और लिबर्टीज़ किसी भी दूसरे इंसान को मिली होनी चाहिए, चाहे वो समाज के अंदर ऊपर स्टेज पर हो चाहे वो नीचे स्टेज पर हो। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। और अब सवाल उठता है कि जो जॉन रॉल्स हैं वो किस तरीके से इस न्यायपूर्ण समाज तक पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम वेल ऑफ इग्नोरेंस बोलते हैं। अब इस वेल ऑफ इग्नोरेंस को मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि इस वेल ऑफ इग्नोरेंस को हम लोग चलाते हुए, इसे हम समझते हुए, पढ़ते हुए एक जस्ट और न्यायपूर्ण समाज तक पहुँच सकते हैं। वेल ऑफ इग्नोरेंस आपसे कहता है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ द सोसाइटी। आप जो हैं समाज के एक रचयिता हैं, आप जो हैं समाज को रचने वाले हैं। सपोज़ कीजिए कि अगर आप समाज को रच रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसकी जो पावर्स है, फंक्शंस हैं, वो सभी आप तय करने वाले हैं समाज के अंदर। लेकिन सपोज़ कीजिए कि अगर आपको अपनी जो पोजीशन है, ये ओरिजिनल पोजीशन का कंसेप्ट भी जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओरिजिनल पोजीशन आपसे यही कह रही है कि अगर आपको समाज के अंदर अपनी पोजीशन पता है तो आप एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के चांसेस बहुत कम कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको समझाऊं कि मान लीजिए कि मुझे मौका मिलता है कि मैं एक समाज बनाने वाला हूं और मुझे पता है कि उस समाज के अंदर जो मेरी ओरिजिनल पोजीशन है वो एक टीचर की है, तो मैं क्या करूंगा कि उस समाज के अंदर जो टीचर वाला सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होगी उसको मैं बहुत सारे प्रिविलेजेस देना शुरू कर दूंगा, उसको बहुत सारे ओवर प्रिविलेजेस देना शुरू कर दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल दूँ कि जो भी देश के अंदर टीचर्स हैं उनकी सैलरी जो है 5 करोड़ होनी चाहिए, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसकी सैलरी सिर्फ 5 लाख होनी चाहिए। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि उस ओरिजिनल पोजीशन जो आपको पता है समाज के अंदर, उससे आप एक न्यायपूर्ण समाज तक नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन एक और कंडीशन जॉन रॉल्स बताते हैं, जॉन रॉल्स कहते हैं कि अब कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। अब समाज के रचयिता आप हैं, समाज को आपको रचना है, यू आर द क्रिएटर ऑफ द सोसाइटी, सब कुछ आप नियम कानून तय करने वाले हैं समाज के अंदर। लेकिन मजे की बात यह है कि आप भी उसका हिस्सा हैं समाज का, लेकिन आपको समाज के अंदर अपनी ओरिजिनल पोजीशन और स्टेटस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, उसको लेके आप पूरी तरीके से इग्नोरेंट है। आपको नहीं पता है कि आप समाज के अंदर टीचर बनने वाले हैं, क्या आप प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, या फिर एक पॉइंट, मतलब एक पियोन बनने वाले हैं। तो एक चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक आप कुछ भी बन सकते हैं, आपको नहीं पता है। अब ऐसे केस में क्या होगा, मैं अगर समाज को बनाऊंगा या कोई भी ह्यूमन बीइंग जो क्रिएटर होगा समाज का, वो बड़े फूंक फूंक के कदम रखेगा, वो बहुत ध्यान से सोसाइटी को बनाएगा,
जितने भी समाज के वर्ग हैं, जितने भी पोजीशंस हैं, सबके साथ न्याय करने की कोशिश करेगा, सबको इक्वालिटी देगा, सबको लिबर्टीज देगा, सबको जो है वेल्थ है देश के अंदर, रिसोर्सेज हैं, उनको इक्वल एक्सेस पहुंचाया कि भाई ये भी समाज के अंदर है कि अपना डेवलपमेंट कर सके, इनको भी वेल्थ प्रॉपर तरीके से मिल सके। क्यों करेगा? क्योंकि उसको नहीं पता है कि समाज के अंदर वो किस पोजीशन पे है। तो समाज के अंदर जब उसको नहीं पता है पोजीशन, तो वो अपने आप को हर पोजीशन में रख कर एक समाज को बनाने की कोशिश करेगा और उनके साथ न्याय करेगा। तो इसी कंसेप्ट को हम वेल ऑफ इग्नोरेंस बोलते हैं। और इस वेल ऑफ इग्नोरेंस के तहत हम क्या कर सकते हैं कि एक न्यायपूर्ण समाज तक पहुंचा जा सकता है। तो इसी कंसेप्ट को हम वेल ऑफ इग्नोरेंस बोलते हैं। इसके अलावा आपका जो पॉलिटिकल थ्योरी बुक है उसके अंदर और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी, उसका रिलेवेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वीडियो में डाल चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके अलावा नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी भी है, इक्वलिटी और लिबर्टी के बीच में रिलेशन क्या है, इसके भी वीडियो प्रॉपर डाल चुका हूँ मैं। तो डिस्क्रिप्टिव वीडियोज़ हैं, आसान भाषा में समझा रखा है, आप उनको देख सकते हैं। तो जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस मैंने आपको आसान भाषा में समझाई, और ये इसका कंसेप्ट वेल ऑफ इग्नोरेंस का भी समझाया। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही आसान भाषा में वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।